ट्रेन रेस्टोरेशन। मलाड नाम का एक गांव था, वहां खुराना नाम का एक कबाड़ी था। उसका रेलवे मुलाजिम गंगाधर नाम का बचपन का दोस्त था। गंगाधर लोमड़ी की तरह चालाक था, पर खुराना उसका भरोसा करता था। एक दिन गंगाधर खुराना के पास आया और, अरे यार खुराना, हमें मिले हुए काफी दिन हो गए यार, कम से कम फोन तो कर सकता था। अरे तू तो जानता ही है यार, मेरी जिंदगी तो कबाड़ खरीदने और बेचने में ही गुजर रहा है, अब और क्या फोन करूंगा मैं। वैसे तेरा बेटा रोहित कर क्या रहा है? अरे अब उसका नाम रोहित नहीं है, उसका नाम है गेमिंग रोनी। वो मोबाइल में गेम्स खेलता है, वीडियो बनाता है और पता नहीं क्या क्या करता रहता है। हाँ यार, ये जनरेशन ही बदल गया है। हम बचपन के थे जब हमने पहली बार सेलफोन देखा था। ए, पैदा होते ही सेलफोन ही देखते हैं। वैसे मैं तुमसे ये कहने आया था कि हमारे रेलवे वाले पुराने सामान को कबाड़ के रूप में नीलाम कर रहे हैं, उनमें से तुम कुछ खरीद लो और बेचो तो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी, सोच लो। कह रहा था कि तभी रोनी वहाँ आया। हे गैंग अंकल, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम नो सी। लगता है मेरे पिताजी को डुबोने के लिए कोई नया प्लान बनाकर आए हैं आप। ये क्या बेटे, बड़ों का लिहाज किया करो। गैंग क्या होता है गैंग, खाल उधेड़ दूंगा। देखिए डैड, मैं इंसान को देखकर पहचान जाता हूँ कि वो कैसा आदमी है। मैं जब भी अंकल को देखता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों लोमड़ी नजर आता है। अरे बेटा, जो हुआ उसे भूल जाओ, अब तुम देखते जाओ, तुम्हारे पिताजी की जिंदगी संवार दूंगा। तुम्हारे पिताजी से एक ट्रेन में स्क्रैप में खरीदवा रहा हूँ, तुम भी आकर देख सकते हो। नो अंकल, टुमारो आई एम वेरी बिजी। वो जो भी है आप ही देख लीजिए। बाद में खुराना और गंगाधर मिलकर स्क्रैप बेचने वाले रितेश के पास गए। उन्हें देखकर रितेश अपने मन में, अरे वाह, लगता है गंगाधर भाई अच्छा बकरा पकड़ के लाए हैं, इसे हलाल करना होगा। आओ गंगाधर भाई, क्या हुआ, रास्ता कैसे भूल गए? अरे कुछ नहीं भैया, ये मेरा खास दोस्त है, एक ऐसा ट्रेन दिखाओ जिसे बेचकर इसे काफी लाभ हो, बस इसे इसकी जिंदगी संवर जानी चाहिए। क्या बात कर रहे हो भैया, आपका दोस्त है तो मेरा दोस्त है। मेरे पास एक पुराने मॉडल का ट्रेन है, वो काफी वजनदार है, अगर वो खरीदा तो आपका दोस्त सेट हो जाएगा। भैया क्या हम वो ट्रेन देख सकते हैं? अरे खुराना, हमें क्या वो घटिया माल देगा, पहले तुम पैसे भरो और अपने शेड के पास मंगवा लो, बाद का काम बाद में देखेंगे। खुराना ने पैसे भरा और उस गाड़ी को अपने शेड के पास मंगवाया और पुराना सामान खरीदने वाली देवी को अपने पास बुलवाया। अब उस क्रैप को देखकर देवी, चाचा जी ये तो बेकार है, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया है, आपने बेकार ही इसे खरीदा, ये तो बहुत पुराना है, इसके लोहा भी बेकार है, कहकर चली गई। अब ये बात खुराना ने गंगाधर से कहा। अरे खुराना, मैं नहीं जानता था कि तुम इतने मूर्ख हो, अब तक मैं कई लोगों को स्क्रैप दिला चुका हूँ, तुम्हें तो वो भगवान भी नहीं सुधार सकता। यूं कह रहा था कि तभी रोनी वहाँ आया। वो मूर्ख मेरे पिताजी नहीं है अंकल, आप हो। वो कैसे, वो मैं कल बताऊंगा, देखते जाइए, कहकर अपने दोस्त को बुलाकर गंगाधर के सामने ही उस ट्रेन को रिस्टोरेशन कराया। अब उसे देखकर रोनी का दोस्त पप्पू, अरे यार रोनी, अब इससे तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, ये हमारे दादा परदादा के जमाने का ट्रेन है, मूर्ख हैं, इसकी कीमत नहीं जानते, इसीलिए इसे कबाड़ में बेचा है, अगर इसे तुम नीलाम करोगे तो कम से कम 100 करोड़ मिलेगा। ये खबर फैलते फैलते रेलवे अधिकारियों के कान में पहुंची। तब खुराना के पास रेलवे अधिकारी आए और उस ट्रेन को वापस करने को कहा। सर, हमने इसे ऑफिशियली खरीदा है, हमारे पास रसीद है, यकीन ना हो तो यहीं खड़े गंगाधर जी से पूछ लीजिए, वैसे आप यूं हमें धमका नहीं सकते, अगर आप चाहें तो नीलाम में खरीद लीजिए। अब नीलाम की क्या जरूरत है बेटा, हमारे कर्मचारी इसकी कीमत जाने बिना इसे रद्दी में बेच दिया, हम तुम्हें 25 करोड़ देंगे, आप हमें ही दे दो, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी बेटा, प्लीज बेटा जरा सोच लो। तब रोनी और खुराना खुशी खुशी मान गए। वस्तु की कीमत जाने बिना कबाड़ में बेचने के लिए रेलवे वालों ने रितेश और गंगाधर को सस्पेंड किया। जैसी भी स्विमिंग पूल दरियागंज नाम के एक गांव में
गहलावत नाम का एक व्यापारी रहता था। वो जो भी धंधा करता था वो उसे रास नहीं आती थी। एक दिन अपनी कुंडली ले जाकर एक पंडित को दिखाकर, पंडित जी मेरे कुंडली देखकर बताना, मैं कोई भी काम करता हूँ तो वो रास क्यों नहीं आता, सब में नुकसान ही नुकसान होता है, जिसमें भी हाथ डालो तो वो जलकर राख हो जाता है, मेरा हाथ जल जाता है, क्या कोई ऐसा धंधा है जो मेरे कुंडली के लिए ठीक हो? है तो जरा बताइए, मैं वही धंधा करूँगा, अब मैं अपना दिमाग का प्रयोग नहीं करूँगा। तुम्हारी कुंडली अमरूद की तरह मीठा है पर उसे ये ग्रह तोते की तरह चोंच मार रहे हैं। तुम यदि पानी से जुड़े कोई धंधा करोगे तो पैसों की वर्षा होगी। इससे पहले भी किसी ने ऐसा ही कहा था तो कोल्ड ड्रिंक का धंधा शुरू किया था। बस लोगों ने ये खबर फैला दी कि इसमें कीटनाशक मिलाया जाता है तो वो धंधा ठप हो गया और मेरा बेड़ा गर्क हो गया और 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यही तो परेशानी है तुम्हारे साथ। पानी से जुड़ा धंधा का मतलब कूल ड्रिंक्स और वाटर प्लांट नहीं है, स्विमिंग पूल, समझे? स्विमिंग पूल का बिजनेस शुरू करो, तुम्हारी किस्मत ट्रक भर कर आएगी। ओहो, स्विमिंग पूल, तो फिर ठीक है, समझ गया, अभी जाकर शुरू करता हूँ, कहकर जाने लगा तो पंडित जी ने उसे रोका और बस पूरी बात ना सुनकर प्लग में उंगली डालोगे तो शॉक लगेगा और मरोगे, पहले पूरी बात सुनो, तुम स्विमिंग पूल का बिजनेस करो पर वो स्विमिंग पूल जमीन पर नहीं होना चाहिए, हवा में होना चाहिए। ये सुनकर गहलावत अवाक रह गया। क्यों पंडित जी, क्या आपको मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? हवा में पूल कैसे बनेगा? किसी से कहूंगा तो वो पूछेगा कि किस बेवकूफ ने तुम्हें ये सलाह दी है, कोई और आइडिया हो तो बताइए, नहीं तो मेरे पैसे वापस कीजिए। बच्चा, अब मैं समझा कि तुमने इतने सारे बिजनेस किए पर क्यों सफल नहीं हुए। तुम कोई भी बात पूरी तरह से आराम से सुनना ही नहीं चाहते। हवा में स्विमिंग पूल का मतलब आसमान में या बादलों में नहीं, इसका मतलब है कि वो जमीन से लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा एक स्विमिंग पूल बनाओ, अब ये फिर हवा में कैसा खड़ा होगा? जैसे फालतू सवाल अपने इस सड़े हुए मुंह उठाए हुए आकर मुझसे ना करो। मुझे अगर गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा और फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कोई जेसीबी ले आओ, उसमें स्विमिंग पूल को लटका कर उसमें स्विमिंग सिखाओगे तो अच्छा होगा, फिर देखना कि तुम्हारा पूल का कैसे नाम बढ़ता है। कहते ही गहलावत पंडित जी के पैरों में पड़कर प्रणाम करते हुए, पंडित जी मुझे क्षमा करें, इसी तरह तैश में आकर सब कुछ गवा चुका हूँ मैं, इस बार आपके कहे अनुसार सफल होकर आपके सामने आऊंगा। यूं पंडित जी के सलाह अनुसार जेसीबी से लटकने वाले स्विमिंग पूल का बिजनेस शुरू किया। लोग उस अजीब से स्विमिंग पूल को देखने के लिए भारी मात्रा में आने लगे। थोड़े ही दिनों में उसका धंधा खूब चलने लगा। बहुत दिनों से उसी इलाके में स्विमिंग पूल चला रहे सौमित्रा चैटर्जी का भारी नुकसान होने लगा। इस गहलावत का स्विमिंग पूल तो इतने सालों से चला रहे मेरे ही धंधे को नुकसान कर रहा है, मुझे किसी तरह उसका धंधा बिगाड़ना होगा। यूं बहुत सोचकर, जब कोई नहीं था तो उस जेसीबी स्विमिंग पूल के नीचे के हिस्से में ढक्कन को खोला और उस पानी से वहां अपने खेत को सींचने लगा। गहलावत ने अगले दिन आकर देखा तो उसके स्विमिंग पूल में पानी नहीं था। क्या हुआ वो समझ नहीं पाया तो सौमित्रा चैटर्जी को बुलाकर, सौमित्रा जी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि पूल का पानी का क्या हुआ, इतना सारा पानी गायब कैसे हो गया, क्या आपने देखा? जी हाँ, अब मुझे और कोई काम नहीं है ना, आप अपने पूल में काफी व्यस्त हैं, हमें तो कोई काम धंधा है नहीं करने को, तो मक्खी मारते हुए तुम्हारे पूल की निगरानी तो कर रहे हैं। अरे तुम पूछ क्या रहे हो, पानी का क्या हुआ, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे मैं यहाँ पैरा देता हूँ। हो सकता है कि धूप में वो भाप बन गया हो, या फिर चिड़िया आकर सारा पानी पी गए हो, या फिर कोई चोरी से टैंकर भरकर पानी ले गया हो, अब ये सब मैं क्या जानूं, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पता नहीं, आपकी बातों पर मुझे विश्वास नहीं होता, पर वो जो आखिर में आपने कहा कि कोई चोर पानी ले गया होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखते हैं, आज मैं यहीं पहरा दूंगा और पता लगाऊंगा कि वो चोर कौन है। यूं कहकर उस दिन पूरा पानी भरकर रात को वो वहीं पहरा देते हुए सो गया। उसके सोते ही चैटर्जी पूल के नीचे गया और ढक्कन खोलकर उस पानी को
अपने खेत में भेजने लगा। फिर से पूल खाली हो गया। अगले दिन उठकर गहलावत, ये क्या, यहाँ पर पहरा दे रहा था तो मेरे ही उपस्थिति में पानी गायब हो गया, ये तो कोई जादू है, कहकर वहाँ से गुजर रहे चैटर्जी को बुलाकर, चैटर्जी महोदय, फिर से मेरे पूल का पानी गायब हो गया है, ऐसा ही रहा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। उस पंडित जी ने कहा था कि उस जेसीबी पर हवा में लटकने वाला स्विमिंग पूल बनाऊंगा तो पैसों की बौछार होगी, पर यहां तो लगता है कि मेरे जेब में भारी छेद हो गया है, ये माजरा क्या है, मैं पता करके आता हूं, कहकर जाने लगा। मुझे लगता है कि आप पंडित जी को ना मिलकर किसी ओझा से मिले तो अच्छा होगा, मुझे लगता है कि कोई भूत आकर सारा पानी पी जाता है। ये सुनकर गहलावत के पैर कांपने लगे। अगले दिन पंडित जी के पास जाकर, पंडित जी आपने जैसे कहा मैंने वैसा ही किया और पूल शुरू किया, पहले बहुत लाभ हुआ पर आजकल पानी यूं गायब हो जा रहा है, और चैटर्जी कहता है कि ये कोई भूत का काम है, मुझे तो डर लग रहा है, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, चलो देखते हैं कि वो भूत कौन है और वो पानी कौन चुरा रहा है, ये अभी पता लगाता हूँ, कहकर वहां गया। दोनों दूर खड़े होकर देख रहे थे तो चैटर्जी पूल का ढक्कन खोलकर पानी को अपने खेत में भेज रहा था। गहलावत दौड़ता हुआ गया और चैटर्जी को पकड़कर खूब मारा। अरे गलती हो गई गहलावत जी, गलती हो गई, मैं आपकी तरक्की से जल रहा था, मुझे माफ कीजिए, कहकर उसके पैर पकड़ने लगा तो उसे छोड़ दिया। तब से उसका जेसीबी स्विमिंग पूल का बिजनेस बहुत बढ़िया चलने लगा।